व्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं हम लोग। अभी हमारी ओर से आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में दोस्तों खुश होंगे। तो हम लोग फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं दहानू महालक्ष्मी गढ़ दोस्तों। तो चलो हम लोग अभी दिखाते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू दोस्तों बने रहिए, आप लोग नज़ारा अभी देख सकते हो। हम लोग अभी नेशनल हाईवे के पास हैं और बीच है लक्ष्मी बाबा है, देख सकते हो आप लोग शैलेश भाई है। मागुन मागुन आइए, हम आगे आगे चलते हैं। यस है लेकिन हम लोग नानू बोलते हैं और मुझे ये डांट रहा है, बोल रहा है आपको वीडियो बनाना है, तैयार नहीं होना है इसके लिए। इधर अभी चल के जा रहे हैं और ये सब हम लोग आए हैं बहुत सारे लोग, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। पूरा वीडियो हाँ, मंदिर में जाने के लिए बहुत भक्त लोगों की बहुत भीड़ है। आप लोग देख सकते हो रास्ते में कितना पब्लिक आ रहा है जा रहा है और पीछे में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी तो हम लोग तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं सब आ रही है, मेरी दीदी है इधर में, सब पीछे में है, जीजा लोग इधर चल रहे हैं और पीछे में राकेश जी है लेकिन थोड़ा कम दिख रहा है में। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से पूरा जंगल एरिया चालू हो गया है और हम लोग जंगल से जाएंगे। राकेश जी चल रहा है उधर से, दोस्तों बहुत मजा आने वाले हैं ऊपर चढ़ने में, पहाड़ पूरा चढ़ना बाकी है, बाद में मैं तो चढ़ ही नहीं पाऊंगी। अभी राकेश जी को देखो क्या मालूम क्या करता है, चढ़ाता है, बने रहिए मजा आने वाली है दोस्तों। हाँ आगे आगे देखो होता है क्या। अभी देखिए दोस्तों उर्मिला भी बहुत थक गई है, कैसे इधर में दोस्तों सीढ़ी नहीं है ना, इसके लिए थोड़ी थकान लगती है। और उधर दूसरी साइड में है सीढ़ी बनाई है दोस्तों, यहाँ पे अभी थोड़ा ही बाकी है, हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, जो दिख रहा है पहाड़ हम लोग वहाँ जाने का है दोस्तों, अभी थोड़ा ही बाकी है तो हम लोग अभी चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे। उर्मिला तो बहुत ज़्यादा थक गई ऐसा लगता है, पगडंडी वाला रास्ता है इसके लिए थोड़ा चढ़ने के लिए दिक्कत होता है ना। हाँ जी थोड़ा थक गए हैं, सोचना ही माता जी का नाम लियो और चलो
तो चलो दोस्तों हम लोग अभी चलते हैं। देखिए हम लोग अभी यहाँ नीचे वाला मंदिर में आ गए हैं, जो ओरिजिनल मंदिर है वो। तो हम लोग अभी यहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर चढ़ेंगे वापस। तो हम लोग अभी यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारे साड़ू है दोस्तों, ये महाराज है, देख सकते हो। ये रसीला बहन है, ये उर्मिला की बहन है, और दिव्यश है, नीलेश है, मयंक है। तो हम लोग अभी वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं दोस्तों। वहाँ का नज़ारा ऐसा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छा है दोस्तों। और यहाँ देखा जाएगा तो पूरा जंगल ही जंगल लग रहा है दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखना, पूरा जंगल है। चलो हम लोग अभी दर्शन कर लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पे पहला दर्शन किया जाता है दोस्तों। तो हम लोग अभी पहला दर्शन कर लेते हैं। आज यहाँ पे मेला लगेगा दोस्तों शाम को, इसलिए आज ज़्यादा भीड़ है। और आज देखा जाएगा तो चैतरी पूनम है दोस्तों। इतना भीड़ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आप लोग दर्शन कर सकते हो दोस्तों वीडियो द्वारा। तो महालक्ष्मी की मूर्ति है दोस्तों, आप लोग ज़रूर दर्शन कर लेना दोस्तों। हम लोग अभी दर्शन कर लेते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी कर लेते हैं। जय बोलो अम्बे माता की, जय बोलो लक्ष्मी माता की, जय। एक दो तीन चार, लक्ष्मी माता जय जयकार। एक दो तीन चार, लक्ष्मी माने। चलो अरे जल्दी जा। हाय दोस्तों, थक गए हो? थक गया क्या? अभी थोड़ा ही दूर है, अभी थोड़ा ही दूर है दोस्तों। हम लोग भी पहुंचने वाले ही हैं, लेकिन
अभी हम लोग उर्मिला का इंतजार करते हैं। उर्मिला तो एकदम बिल्कुल थक गई ऐसा लग रहा है। आगे आओ, आगे आगे। दोस्तों वहाँ का नज़ारा है, पूरा जंगल है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। तो हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी फाइनली मंदिर में पहुंचने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा ही दूरी बाकी है और दर्शन करने के लिए हम लोग मंदिर में पूजा करने के लिए नारियल भी ले लिया है, फूल भी ले लिया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो आज चैतरी पूनम है, इसके लिए भक्तों की बहुत लाइन है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो बहुत दूरी से ही लाइन है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखना। दर्शन हो चुका है अभी, तो हम लोग अभी निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का नज़ारा ऐसा है दोस्तों, मंदिर में शूट करना मना है दोस्तों, तो हम लोग अभी चलो। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी दर्शन कर लिया है, यहाँ से हम लोग अभी फूल लिया है वो भी ये टोकरी जमा कर देते हैं दोस्तों, और ये पैसा दे रहा हूँ दोस्तों। और इधर में जूता रखा है, अभी जूता भी मेरे को निकलना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोगों ने अच्छी तरह दर्शन कर लिया, उर्मिला दर्शन कर लिया ना। हाय दोस्तों, तो अंदर में शूटिंग नहीं करने दिया, तो बार बार से हम लोग ने दिखाया। अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग आते जाते रहते हैं। राकेश जी भी है इधर, जूते पहन रहे हैं, और ये दिव्येश भाई है, और एक भाई साहब इधर है, रमेश भाई है इसका नाम, ये भी हाय बोल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे से मंदिर से बाहर निकल आए, घूमने को आना काफी अच्छा नज़ारा है। पहाड़ी भी नहीं दिखता है यहाँ से, नहीं दिखता है अभी। दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भंडारा लगा है, नीचे में मंदिर है, तो लोग जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए, और हम लोगों का व्रत है। तो देख सकते हो आप लोग इतना पहाड़ी के चोटी पे है मंदिर, तो आज रात को उधर झंडी लगेगी 12 बजे,
तो आज रात में भी बहुत मेला लगेगा और हम लोग तो सुबह ही आ गए, तो अभी हम लोग चले जाएंगे दोस्तों, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इतना लंबा लाइन है, इतना लंबा लाइन है, फिर ऐसे घूम घूम के आना पड़ता है। और बहुत सारा आगे तक लाइन है, जहाँ तक वो दिख रहा है वहाँ तक हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी दर्शन करके नीचे उतर आए हैं दोस्तों। बहुत धूप लगता है, इतना जल्दी गए थे 8 बजे, 8:30 बजे 9 बजे तक हम लोग ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन अभी उतरने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए बहुत धूप लगती है दोस्तों। दर्शन करने के लिए आने का टाइम सुबह में आओगे तो अच्छा रहेगा, और शाम को रात में। बाकी धूप में तो बहुत दिक्कत होती है चढ़ने में, बहुत गर्मी भी। और ये मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाने का दो रास्ता होता है, एक इधर से जो शॉर्टकट, इधर सीढ़ी नहीं बनाई है, और उस तरफ जो सीढ़ी बनाई है दोस्तों। तो हम लोगों ने अच्छी तरह दर्शन कर लिया है, तो अभी उर्मिला बोलती है मेरे को अभी ठंडा पीना है, तो अभी हम लोग अभी ठंडा पी रहे हैं दोस्तों। तो एक तो उर्मिला का व्रत है दोस्तों, जब पी रही है, कैसा लगता है मीठा? गर्मी में थोड़ा मीठा मीठा पियो तो अच्छा लगता है मन को भी। और आज शाम को इधर मेला लगेगा दोस्तों। हाँ भाई, आज शाम को मेला लगेगा इधर 12 बजे तक निकलेगा। आज बहुत जबरदस्त मेला रहेगा, आज चैतरी पूनम है ना, इसके लिए तो इधर 7 दिन के 10 दिन पहले ही मेला स्टार्ट हो जाता है। और आज रात में 12 बजे माता जी का झंडी चढ़ाए गए लोग। हाँ जी, अभी मैं दिखाता हूँ, हम जो पहाड़ी पे दर्शन करने के लिए गए थे उसका मैं पहाड़ का चोट जो है ना, वो भी मैं दिखाता हूँ, पीछे से कैमरा से दिखाऊंगा दोस्तों। कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है, चोटी पे जाना पड़ता है। सुबह सुबह हम लोग गए, फिर भी बहुत दिक्कत हुई, तो अभी दोपहर को तो बहुत दिक्कत होती है चढ़ने में, है ना। इसके लिए हम लोग तो जैसे तैसे आ गए, है कि नहीं। हमारे साथी लोग हैं, वो हमारे से पहले निकल गए हैं और हम लोग अभी पीछे से जा रहे हैं, तो चलो हम लोग अभी चलते हैं दोस्तों। तो यही पहाड़ी पे हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए दोस्तों, बहुत अच्छा है दर्शन, महालक्ष्मी का मंदिर है वहाँ दोस्तों, ऊपर है। और दर्शन करने के लिए आने का टाइम दोस्तों सुबह में ही आने का, दोपहर को नहीं आने का दोस्तों, बहुत दिक्कत होती है, धूप बहुत लगता है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया है लोकेशन, आप लोग लोकेशन देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे नाइट मेला लगेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा झूला है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, इधर में मौत हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। नाइट में बहुत मज़ा आते हैं दोस्तों, हम लोगों तो दिन में आ गए दर्शन करने के लिए, मेला में घूमने के लिए नहीं आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त मेला लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा नज़ारा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। आप लोग भी आए अगले साल चैतरी पूनम को दोस्तों, आप लोग ज़रूर आना, आने का भूलना नहीं दोस्तों, बहुत मज़ा आता है। हम लोग तो आए थे, इस साल नहीं रहेंगे, हम तो अभी जाने वाले हैं, तो आप लोग अगले साल ज़रूर आना दोस्तों। दोस्तों तो हम लोगों ने यहाँ से अभी पेड़ा ले लिया है, मिठाई ले लिया है दोस्तों, तो कम शुगर वाला है इधर का ऑरेंज कलर, और ये शुगर ज़्यादा है इसमें थोड़ा, तो हम लोगों ने ले लिया है, ज़्यादा शुगर वाला ले लिया है दोस्तों, दिखा सकते हैं, ले लिया है। तो चलो दोस्तों हम लोग अभी निकलते हैं, हाय कर दो, हाय।
बड़े माता। उधर में दोस्तों एक दूसरा मंदिर है महालक्ष्मी का, तो हम लोग अभी जा रहे हैं।